नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में वो अलग अलग मंदिरों में पहुँचे, पूजा अर्चना की, गूंजी में लोगों से मिले। वहाँ लोगों का प्यार उमड़ रहा था, पीएम मोदी और भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। फिर पिथौरागढ़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने 4,200 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण किया, वहाँ के लोगों को सौगात दी। और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि किस तरीके से पहाड़ की जवानी पहाड़ को काम आए, इसके लिए वो काम कर रहे हैं। सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा। यहाँ आने से पहले मुझे पार्वती कुंड और जोगेश्वर धाम में पूजा अर्चना करने का सौभाग्य मिला। मैंने हर देशवासी के अच्छे स्वास्थ्य और विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करने के लिए और मेरे उत्तराखंड के सारे सपने सारे संकल्प पूरे हो, इसलिए आशीर्वाद मांगा है। कुछ ही देर पहले मेरी मुलाकात हमारी सीमा के प्रहरियों हमारे जवानों के साथ भी हुई है। मुझे स्थानीय कला और स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हमारे सभी बहनें भाई उनसे भी मिलने का मौका मिला। यानी भारत की संस्कृति, भारत की सुरक्षा, भारत की समृद्धि से जुड़े हुए इन तीनों स्वरूप में इस प्रकार से मेरी ये नए प्रकार की यात्रा भी जुड़ गई। सभी के दर्शन एक साथ हो गए। उत्तराखंड का ये सामर्थ्य अद्भुत है, अतुलनीय है। इसलिए मेरा विश्वास है और ये विश्वास मैंने बाबा केदार के चरणों में बैठ करके व्यक्त किया था। मेरा विश्वास है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला है। और आज मैं आदि कैलाश के चरणों में बैठ करके आया हूं, मेरे उस विश्वास को फिर एक बार दोहराता हूं। उत्तराखंड विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचे, आप लोगों का जीवन आसान हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरे समर्पण भाव से और एक ही लक्ष्य लेकर के आज काम कर रही है। अभी यहां 4,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। एक ही कार्यक्रम में 4,000 करोड़ रुपए, मेरे उत्तराखंड के भाई बहन आप कल्पना कर सकते हैं। मैं आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, मेरे लिए ना तो ये रास्ते नए हैं और न ही आप सभी साथी नए हैं। सुना आपने, पहाड़ से उन्होंने अपना एक रिश्ता जोड़ा, बताया कि किस तरीके से यहाँ के लोग उन्हें चिट्ठी भेजते रहते हैं और कैसे कनेक्ट रहते हैं। पहले की सरकारों पे वार करते हुए खास तौर से
वन रैंक वन पेंशन का भी उन्होंने जिक्र किया कि जैसे ही उनकी सरकार आई इस पर काम किया जिससे कि 75,000 लोग सिर्फ उत्तराखंड में लाभान्वित हुए हैं। बहुत सारा काम उन्होंने गिनाया और कहा कि जो आज वो कर रहे हैं इसका लाभ भी पूरे पहाड़ को मिलेगा, पूरे उत्तराखंड को मिलेगा। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।